नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं खातेकावले.com। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि खातेगांव और आसपास की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके फोन पर आसानी से पहुंच जाए। देवास जिले के खातेगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम रतनपुरा के मेन रोड पर घायल तेंदुआ मिला, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मुस्तैदी के साथ तैनात वन अमले ने मामले को संभाला, साथ ही हरणगांव पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। सर, ग्राम रतनपुर और मचवास के बीच में जो तेंदुआ घुसा है, क्या स्थिति सर अभी? मुझे 9 बजे मचवास फॉरवर्ड गार्ड नीलामा ने सूचना दी कि किसी वाहन ने टक्कर मार दी तेंदुए को, तो मैं तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। मेरे सभी मचवास का स्टाफ भी मेरे पास आ गया। जनता द्वारा किसी के वीडियो बनाया गया था, तो वीडियो मैंने जब देखा है तो वो मक्का के खेत में जाते हुए दिखाई दिया। फिर इसके बाद में सभी लोग, अधिकारी लोग, मतलब स्टाफ पूरा इकट्ठा हुआ। आते गाँव से रेंजर साहब भी आए और अंदर जाके तेंदुओं की लोकेशन देखी, जो देखा गया अंदर, सभी ने देखा, करीब सभी स्टाफ ने देखा है उसको। वो घायल अवस्था में है, घायल मतलब उसको चोट लगी हुई है, वाहन से टक्कर लगी, तो वो चलने फिरने लायक नहीं है। अगर चलने फिरने लायक रहता तो कभी का भाग जाता। वो तेंदुआ बहुत चटोर काला जानवर रहता है, यहाँ टिकते ही नहीं वो, और तुरंत भाग जाता है, लेकिन वो चलने जैसी स्थिति में नहीं है। उसको इलाज की सख्त ज़रूरत है, और अगर इलाज नहीं हुआ तो आगे भगवाने वाले के। सर, क्या अभी तक रेस्क्यू टीम पहुंची? नहीं पहुंची। रेस्क्यू टीम पहुंची 3 बजे जी, तो सूचना कर दी गई थी उसी समय 9 बजे, तो रेस्क्यू टीम आई।